अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। दिस इज सीमा ऑफ अलमुंजा। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। ये बनाना ब्रेड है। बनाना वॉलनट ब्रेड बनाएं या बनाना पिस्टाचियो ब्रेड बनाएं, इट्स योर चॉइस। मैंने पिस्टाचियो से बनाई है। यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विथ वॉलनट्स। और इसको आप अगर ब्रंच पे सर्व करें या अपनी शाम की चाय के साथ सर्व करें गरम गरम, तो आप देखिएगा ये पूरी ब्रेड इट फिनिशेज इन नो टाइम। सो लेट्स कुक टुगेदर। चलें जी शुरू करते हैं। 3 बनानास, अगर थोड़े राइप भी हैं तो उनका रिमूव कर दें जो ज़रा पका हुआ पार्ट है, और काट के इसको यूज़ करें। बनाना ब्रेड की यही तो ब्यूटी है कि आप लेफ्ट ओवर बनानास को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चों को शामिल करें, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। अब इसको मैश करना है। ये पोटैटो मैशर है, उससे इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं बट रीजनेबल। ये बनाना मैश हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि लिक्विडी हो जाए। ये 6 ounces बटर है रूम टेम्परेचर पे, 6 ounces शुगर एंड 3 eggs, फुल एग्स। इनको सबको साथ में बीट करूँगी। 1 tablespoon ऑफ वेनिला एसेंस एंड हाफ अ कप ऑफ मिल्क, इसको डाल के मिक्स करना है, बीट करना है। ये देखें कितना अमेजिंग सा बैटर है, सिल्की सा बैटर है। इसमें अब मैं जो हमने बनाना मैश किया था वो डाल रही हूँ। बस बनाना डाल के बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। ये 6 ounces ऑफ फ्लावर है एंड 1.5 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर, साथ छान के ये बैटर में मिलाना है। 2 tablespoon साबुत पिस्ता डालूंगी इसमें। वैसे तो इसमें ट्रेडिशनली क्रश्ड वॉलनट होता है, बट पिस्ता जब आप काटते हैं बनाना ब्रेड तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। 2 tablespoons। पैन ग्रीस किया है, ये 4x12 के करीब होगा। थोड़ा बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा पैन होगा तो ज़रा हाई हो जाएगी लोफ। और इसको मैंने ये बटर पेपर या वैक्स पेपर से ग्रीस करके इस पे लगा दिया है। नाउ यू हैव टू पोर द बैटर इन दिस। देखें कितना खूबसूरत बैटर है। अब इस पे चाहें तो आप चॉप्ड वॉलनट्स, अगर अंदर वॉलनट्स डाले हैं तो वॉलनट्स डाल दें, अगर अंदर पिस्ता डाला है तो चॉप्ड पिस्ता डाल दें। इसको 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड ओवन में रखना है। 30 मिनट्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं चेक करूँगी। इट वेरीज फ्रॉम 30 to 40 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर ओवन। और स्क्यूअर टेस्ट इसमें नहीं एक्यूरेट होता क्योंकि अंदर जो बनाना है वो मेल्टेड रहता है टिल द ब्रेड इज़ ड्राई, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा साइड्स छोड़ देगा केक। केक हो गया है। जब ये तैयार हो जाए, देखें साइड्स छोड़ दिए हैं इसने, और इसको 5 मिनट में बंद ओवन में रखूँगी, फिर मैं बाहर निकाल दूँगी। केक निकाल रही हूँ मैं, जो भी ट्रे में सर्व करना है उसमें निकालें आप, और फिर इसको स्लाइसिस कर दें। जब ब्रेड बिल्कुल ठंडी हो जाए तब काटिएगा। नाउ लेट अस कट द स्लाइसेस। देखें कितना खूबसूरत आ रहा है पिस्ता, ये साइड से भी आप देखिए। एक और स्लाइस आपको काट के दिखाती हूँ। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। वेरी नाइस एंड नटी इनसाइड, बनाना का फ्लेवर बहुत ही प्रेडोमिनेंट है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का। और कॉफ़ी के साथ तो क्या ही बात है, टू गुड। अच्छा, बिफोर आई कट इट एंड सर्व इट इन अ टी ट्रॉली, मैं अपना मैजिक इंग्रेडिएंट तो डालूं। प्यार मोहब्बत से खाना खिलाना है आपको, और मेरे टी टाइम डिजर्ट्स देखने हो तो उसका लिंक भी है। एप्पल पाई है, वॉलनट फज ब्राउनीज है, फ्रूट टार्ट्स है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएंगे। टाइम टू रैप अप। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत आसान रेसिपी है। और अगर यंग बच्चे हैं अपने साथ, उनको भी शरीक करें इस एक्टिविटी में, एंड आप देखिएगा कितना दे विल एंजॉय द होल एक्सपीरियंस ऑफ बेकिंग। टाइम पे आप उनको ना टच करने दें बट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द बैटर एंड ऑल, प्लीज़ इनकरेज यंग चिल्ड्रेन इन टू ऑल दीज एक्टिविटीज़। लिव लाफ एंड ईट बेटर। This is Seema of Almunza signing off. Take care of yourself. Allah Hafiz. Ma Salama.